नमस्कार दोस्तों, सीकेबी सियाटेच में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पर आपका एनसीएल का, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है, कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी कंपनी है जो मिनी रत्ना के तहत में आती है दोस्तों। भर्ती विभाग रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटल पोस्ट आपका सिंगरौली कोलियरी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश पिन, इतना आपका यहाँ पर स्पष्ट क्लियर किया है, ठीक है। आप यहाँ पर फ़ोन और ईमेल आईडी दोनों दी गई है, वेबसाइट ये आपका दिया गया है, यहाँ पर जाके आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और फॉर्म ऑनलाइन का प्रक्रिया भी कर सकते हैं। डेटेड यहाँ का देखेंगे तो ये इशू हुआ है 07 अगस्त को, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी अगस्त आपका चल ही रहा है, अभी ये पूरे मंथ है आपका, टाइम पूरा है, ठीक है। एनसीएल का यहाँ पर रेफरेंस नंबर ये है आपका और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपका दिया गया है 2023-24, ठीक है। ओके आगे देख लेते हैं, एनसीएल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग आपका यच हेम ऑपरेटर, यहाँ पर देख सकते हैं हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है। शॉवल ऑपरेटर के लिए बताया गया है, डंपर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर, सरफेस मेंटेनर के लिए बताया गया है, डोजर के लिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। गेजर ऑपरेटर के गीजर ग्रेजर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बनाया गया है, तो ये लोडर के लिए भी बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकल के आए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या और इसमें है, ठीक है। पोजीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर वैकेंसी आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर डेजिग्नेशन नेम आपका दिया गया है कि पोस्ट आपका क्या है, यहाँ पर डेजिग्नेशन नेम शॉवल ऑपरेटर ट्रेनिंग आपका, डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग आपका, सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनिंग आपका, डोजर ऑपरेटर ट्रेनिंग और गीजर ऑपरेटर ट्रेनिंग का, यहाँ पर पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनिंग का और क्रेन का, ठीक है। जो क्रेन आपके जो चलाया जाता है, ठीक है, वो चीज़ के यहाँ पे शॉवल मतलब ये है कोयला झोंकने वाला जो होता है, शॉवल ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सरफेस मेंटेनर जैसे कि आपका सरफेस मेंटेन के लिए उसमें दिया जाएगा, ग्राइंडर गेजर ऑपरेटर उस भी एक प्रकार का लेआउट करने वाला भी आपका आ जाएगा। क्रेन तो आप जानते हैं आगे किसी भी माल को एक जगह से दूसरे जगह लोडने के लिए। तो चलिए मैं वैकेंसी के बारे में बताता हूँ आगे, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन केवल 10th पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ITI है तो सबसे यहाँ पर एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका देख लीजिए, हर नंबर ऑफ पोस्ट के आगे उसने वैकेंसी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं टोटल मिला के 38 है। जैसे एक सोल ऑपरेटर का है 35 पोस्ट है, यहाँ पर डंपर ऑपरेटर का है तो 221 पोस्ट है आपका, इस प्रकार से यहाँ पर पोस्टेज बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर वैलिड कर दिया गया दूसरे नंबर पे हाई सेकेंडरी एजुकेशन आपका स्टेट से होना चाहिए, जो भी यहाँ पे बताया है इंडियन स्टेट से होना चाहिए, लेकिन दूसरे में वैलिड हाईवे मैकेनिकल व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशू फॉर द RTA RTO के तहत आपका इंडियन स्टेट के तहत होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बिना बहुत सारे छात्र इस फॉर्म को भरने से पहले ही छट जाएंगे। जिनके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस का रहेगा वही ये फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। आप जाहिर सी बात है कि आप छट जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि इस बच्चे जो इसमें फॉर्म भरेंगे जिनके पास होगा बहुत ईजी और आसानी तरीके से सलेक्शन भी होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ इसमें सर्किल में नोट्स में तो है नहीं, आगे और देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि टेबल यहाँ पर बताया गया है कि किस में OBC में क्या है, जनरल में क्या है, किस प्रकार से इसमें वैकेंसी है, तो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो सभी का यहाँ पर बताया गया है 338 पोस्ट का, किस में कितना कितना है, क्या है, OBC SC ST जनरल EWS, ठीक है, OBC NCL SC ST, इस तरह से आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में बताया गया है और यहाँ पर ब्लॉकेज वैकेंसी बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या इस यहाँ पे एसेंशियल डेट क्या है आपके, यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन की बात करेंगे तो 31 मतलब अगस्त पूरी ये महीने तक चलेगा, 31 तक चलेगा, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ बताया है कि B1 टेबल में जो मिनिमम परसेंटेज की बात अगर यहाँ पर हम करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर 55%, 50 और 45 दिया गया है, बट
आप इस पे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन में कम से कम इतना होना चाहिए, अगर ये मतलब कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो वो लोग एलिजिबल अप्लाई इसमें कर सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक्ट 2016 के तहत यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया गया है, तो वहाँ पर देख लेते हैं टेबल सी के लिए। तो यहाँ पर टेबल सी के यहाँ पर पे स्केल बताया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों की सैलरी क्या बनने वाली है यहाँ पर। तो आप इस पे मत जाइए, हमें यह 3 इयर्स के लिए रखा जाएगा, अगर आपका बेहतरीन सब कुछ रहेगा तो इसे आगे के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ऑन सक्सेसफुल्ली अकम्पलिशन 3 इयर्स ट्रेनिंग ट्रेनिंग के तौर पे इसको रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से सक्सेसफुली सब कुछ सही रहेगा तो आपको ये ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद से आपकी जो भी रहेगी क्या है ड्यूटी टाइम आपका बढ़ा दिया जाएगा। ऑपरेटर टाइम एक्सक्लूसिव कैटेगरी डी में आपको रखा जाएगा, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज बताया गया, बेसिक पे मेंशनेड, वहाँ पे बेसिक पे जो होती है मेंशन, बेसिक पे जो होती है वो मेंशन उसमें किया जाएगा, फिर डीए उसमें किया जाएगा, अटेंडेंस है, बोनस जो हो रहेगा, स्पेशल अलाउंस उसमें आता है, या HR आता है, ट्रांसपोर्ट का आता है, बहुत सारे उसमें जाके जुड़ता है, तो समतम सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा बन जाती है वहाँ पर। ठीक है, ग्रुप डी लेवल में भी रह के आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आगे और देख लेते हैं कि और क्या इसमें सुटेबल है आप लोगों के लिए, बताया गया है OBC ST और एलिजिबल एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, एज लिमिट क्या है, 18 ईयर से 30 ईयर तक इसमें बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। छूट के दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 ईयर्स है, और एक सर्विस मैन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, तो OBC अगर हैं आप तो 30 ईयर्स, तो उसमें मैक्सिमम बताया गया प्लस 3 साल आप छूट लेके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि बहुत दुख की बात है ITI के अगर बच्चे रहेंगे या 10th के बच्चे रहेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा है, 1,000 रुपये है यहाँ पर, प्लस अप्लीकेशन GST के साथ अगर देखेंगे तो 180 रुपया लग जाएगा, मतलब टोटल मिला के आपका 1,180 रुपया लग जाएगा, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ये फीस आपकी पड़ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने के OBC और जनरल वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर बाकी इन लोगों के लिए तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आपको नौकरी चाहिए, दूसरों के चक्कर में नहीं रहना है। ओके, एक्शन अगेनिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बेसिक टेस्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बताया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बताया गया है कि भाई आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें किस प्रकार से मार्क्स होंगे और किस प्रकार से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, तो यहाँ पर ये सब मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑल हेम पोजीशन के बारे में, अगर मैक्सिमम मार्क की बात करेंगे तो 100 आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स के रहेंगे, और कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कुछ इस प्रकार से है कि मतलब जनरल के 50 मार्क का और SC ST OBC के लिए 40 मार्क है। भाई मिनिमम कट ऑफ मार्क तो आता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, कभी भी इतने भी मेरिट नहीं बनती, आप एग्ज़ाम देते होंगे तो जानते होंगे कम से कम 60-70 इस तरह से तो लाइए तो लाइए। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है आपको कि इतना आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, बट ये है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के वजह से तो आपका कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, और कुछ यहाँ पर ये बताया गया है इन सब चीज़ों में, मैं ऐसे डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि नंबर अधिकतम होने के वजह से क्या पोस्ट कैसे मिलेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से जिसका जैसे नंबर, मान लीजिए जैसे जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है तो वो कह रही है NCL मैनेजमेंट दिस रिगार्डिंग सेल वी फाइंड, वो अपने हिसाब से आपको पोस्ट देगी, जैसे अधिकतम नंबर है तो सॉल ऑपरेटर में डाल सकती है किसी को, तो इस प्रकार से आपका पोस्ट जाएगा, इसमें आपको डिसाइड नहीं करना कि मैं इसमें जाऊंगा मैं वो इसमें जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इंस्ट्रक्शन आप कैंडिडेट के, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ को लेके, कैटेगरी और डिटेल्स के लेके, क्वालिफिकेशन को लेके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि NCL में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद से यहाँ पर कुछ सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। यहाँ पर
टेबल्स ऑफ फार्मूला अदर, ऐसा इसमें भी कुछ नहीं है। आगे और देख लेते हैं, ये आपकी साइट है, यहाँ पर जा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइट पे जाके आप 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ये फीस आपका यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का, जल्द से जल्द और ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, बहुत अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ मेंशन भी किया गया है कि स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हैं 09 से ये शुरू हो गया, फॉर्म अप्लाइंग शुरू हो गया है, ठीक है, 2023 10 बजे से शुरू हो गया। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 31 इतने बजे 11:59 PM पर बंद हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट आप देख सकते हैं उस पर जाके, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा, और डिक्लेयर्ड फॉर रिजल्ट थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जिनका होगा वो आप लोग चेक करते रहेंगे और वहाँ पे जाके देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस है, पोस्ट नेम है, आप हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है। इच द विल आप नेगेटिव मार्क फॉर द इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको फ्री मतलब कोई टेंशन नहीं है, नो नेगेटिव मार्क यहाँ पर दे रहा है कि आपको नो नेगेटिव मार्क, बिना बिन मार्क कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर विल बी कॉमन पेपर, सभी के लिए कॉमन पेपर रहेगा, पोस्ट ऑफ सिलेबस पर फॉलो सभी के लिए एक जैसा सब कुछ रहेगा, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। आपका एलिमेंट्री नॉलेज, आप डीजल इंजन पेट्रोल इंजन आपको इसमें से, ब्रेकिंग सिस्टम, आप कूलिंग सिस्टम, ये सब आप जैसे क्लॉथ है आपका, ये सब ड्राइवरी शोल्ड प्रेशर आपका, इफिशिय एंड आप डिवाइडिंग आपका, डिवाइनिंग आपका है, ऑपरेशन आपका है, मशीन और व्हीकल के बारे में जानकारी जो भी है, तो ये आपका थोड़ा सा पहला पार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा। बाकी जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो है आपका, इसमें रीजनिंग आपका, वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका कुछ स्कीम हो गया, ट्रॉफी हो गया आपका, स्टैंडर्ड है आपका, ड्राइविंग रूल्स यहाँ पे सेफ्टी के बारे में हो गया, ड्राइविंग रूल्स इस पे दिया हुआ है, ठीक है। मोटर व्हीकल के बारे में और कुछ जानकारियाँ, जनरल साइंस भी यहाँ पर दे दे रहा है, तो ये सब इसमें जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में 10th स्टैंडर्ड जो रहेगा वो आपका यहाँ पर दिया गया है कि स्पीड है, वेलोसिटी रेशियो है आपका, एक्सेलरेशन है आपका, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री है आपका, हाई और डिस्टेंस है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल कंपाउंड इंस्टेंस है, तो ये चीज़ आपको मैथ से देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, कोई बहुत मतलब लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। तो आई होप मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उसके प्रोफार्मा दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं, बट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाइए, फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।